ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 12 के ऊपर, और ये जो हमारा सेशन होगा ये आपका 60 होगा, ठीक है, 60 नंबर सेशन होंगे। इसमें हम लोग जानेंगे एक टॉर्च के फंक्शन को समझेंगे, और टॉर्च के फंक्शन के बाद आपको इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बताएंगे, ठीक है, उसके बाद और भी धीरे धीरे कुछ बताएंगे। तो अब देखिए, एक्चुअली में टॉर्च को आप देखते होंगे, टॉर्च आप सब लोग देखे होंगे, टॉर्च की डिजाइन जो होती है वो इस तरीके की होती है डिजाइन, ठीक है। यहाँ पे बल्ब लगे होते हैं, ये किला लगे यहाँ पे ऊपर, ठीक है, ऐसे बल्ब, उसके बाद ये ऐसे, ठीक है, ये इस तरीके की बल्ब की डिजाइन होती है, इस तरीके की बल्ब की बनावट, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे आने के बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यहां पे स्विच लगा हुआ है ना, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है। और ये जो होता है, अब देखिए, ये तो बल्ब हो गया, ठीक है, ये बल्ब हो गया, ये ग्लास होता है, ग्लास होता है, और ये कंकेव मीटर होता है, कंकेव मिरर होते हैं, जो आप लोग लाइट चैप्टर से रिफ्लेक्शन चैप्टर में पढ़ा है। यहां पे आने के बाद ये अब एक बल्ब का पिछला हिस्सा हो गया। अब आप क्या देखते हैं, गौर से समझिए, यहाँ टॉर्च के पीछे में ना एक स्प्रिंग लगा होता है, स्प्रिंग इस तरीके की लगी होती है, और वो स्प्रिंग यहां से चल के यहां आया होता है, जो अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि निगेटिव टर्मिनल यहां से जुड़ा होता है। तो बैटरी, और बैटरी जो है ये स्प्रिंग है ताकि बल्ब दबे रहे कसके, और एक जो है यहां से एक वायर जो है यहां आया होता है, ठीक है, यहां आया होता है। अब देखिए बहुत से यहां क्या होता है, ये बैटरी हो गया, यहां ये बैटरी हो गया यहां पे, ठीक है, ये बैटरी हो गया, ये आपका बैटरी वाला एरिया हो गया, ठीक है, ये बैटरी वाला एरिया हो गया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यानी कि जो टिक्स वाला सेक्टर होता है उसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, और जो नेगेटिव है वो। अब देखिए यहां पे होता है कि क्या है कि जैसे ही स्विच को यहां पे प्रेस करते हैं, जब आप स्विच को प्रेस करते हैं, देखिए यहां से जो नेगेटिव टर्मिनल इसको आ रहा है, और नेगेटिव टर्मिनल के आने के बाद जैसे हम इसको प्रेस करते हैं तो यहां जैसे ये इस तरह का होता है, इस तरह का, ये हमेशा ये कनेक्टेड होंगे। जब हम इसको दबाते हैं तो क्या होता है, ये वायर क्या होता है, नीचे दबता है, है ना, नीचे दबेगा तो ये क्या होता है कि सर्किट कंप्लीट हो जाता है। सर्किट कंप्लीट जैसे ही होता है तो बल्ब आपका जलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये टॉर्च का जो मेन प्रिंसिपल है, इसी प्रिंसिपल पे ये टॉर्च काम करता है। सिर्फ बैटरी यहाँ पे रखा होता है, निगेटिव टर्मिनल हमेशा बैटरी से जुड़े होते हैं, और पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ आकर के ये बल्ब को जलाता है, ये ग्लो करना शुरू हो जाता है। तो एक्चुअली में ये क्या होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करता है। अब देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट एक होता कैसा है, इसको आप सुना दीजिए, इसी को हम रखता है, मतलब डायग्राम जो बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए जो बनाए जाते हैं उसको आप समझ लीजिए। यहाँ पे आपने वायर लिया, यहाँ पे आपने बैटरी लिया, क्या लिया, ये आपने बैटरी लिया, ये आपने बैटरी लिया, ठीक है, चलिए ये बैटरी आपने लिया। अब देखिए, ठीक है, बैटरी लिया और यहां से वायर भी चलिए। अब देखिए कोई भी जो वायर होती है जो घर में उड़ा है तो वो डायरेक्ट बिना स्विच का तो होता नहीं है, डायरेक्ट तो है नहीं, तो उसमें क्या होता है कि यहां पे कोई ना कोई स्विच लगाया जाए, यहाँ पे इस तरह का कोई स्विच लगाया जाएगा, ऐसे देखते होगा यहाँ पे कोई स्विच लगाए जाते हैं, और फिर आगे चल के एक बल्ब का, ये मान लीजिए बल्ब आपने लगाया है तो एक बल्ब लगा होगा, है ना, फिर ये आगे चल, तो ये क्या होता है, अब यहाँ पे स्विच लगाया, ठीक है, ये कंप्लीट डायग्राम हो गया। अब इसमें जरा गौर से देखिए कि ये पॉजिटिव है,
ये निगेटिव है, इस बैटरी के लिए पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। बार बार अगर इस तरह की डायग्राम बनाना पड़े तो आपको थोड़ा सा ट्रबल होगा, तो इसके लिए साइंस में क्या है, थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है कि ये आपका स्विच हो गया, ठीक है, ये आपका स्विच हो गया, ये आपका बल्ब हो गया, ठीक है, सिंबल है बल्ब हो गया, और ये पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल, एक बैटरी का सिंबल हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये निगेटिव टर्मिनल, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल, तो ये जितने भी आप दिख रहे हैं ये बैटरी का सिंबल हो गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये बैटरी इस तरह से सिंबल बनेंगे, ठीक है, और फिर ये आपको आगे जाकर देखने को, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्विच ब्रेक है, देखिए ओपन है, ओपन स्विच जब होगा तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डज इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द ओपन सर्किट, नेवर, ओपन सर्किट से इलेक्ट्रिसिटी कभी पास नहीं होता है, जब भी हम स्विच को प्रेस करते हैं वहां पे क्या होता है, बस इसी सर्किट को ब्रेक कर दिया जाता है, सर्किट ब्रेक हो गया और हमारा बल्ब बंद हो गया, उसी स्विच को हमने प्रेस किया सर्किट ऑन क्लोज हो गया, फिर हमारा बिजली पास करना शुरू कर देता है, तो ये हमारा ओपन सर्किट क्या हुआ, ओपन सर्किट हुआ, ओपन सर्किट। तो फिर हमको क्लोज सर्किट कैसा बनाना पड़ेगा, क्लोज सर्किट को देखा जाए, आपसे पूछा जाएगा ये किस तरीके से आप इसे कनेक्ट कराएंगे, ये हुई बल्ब की सिंबल, ये हो गई, ये हो गई बैटरी की सिंबल, स्मॉल पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये हो गई, अब ये हमारा हो गया क्लोज सर्किट, क्या हो गया क्लोज सर्किट। तो जब भी अगर ओपन सर्किट होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेंगे, तो ये दो प्रिंसिपल ऐसे हैं, जो बैटरी बैटरी के साथ जो कनेक्टेड जब भी होगा तो ओपन सर्किट होगा, तभी जाके इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होगी, अगर ओपन सर्किट नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कभी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ये चीज हो गया, जो ओपन सर्किट और टॉर्च को आप लोग समझ गए, टॉर्च के प्रिंसिपल को समझ गए, अब आप लोग को क्या करना है, फिर से एक एक्टिविटी आप लोग के घर पे करना है, ठीक है, इसको मिटा कर, वो एक्टिविटी कौन सा है अभी बता रहा हूँ, उस एक्टिविटी को पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो नेल्स वाला है, नेल्स वाला बताया था कि आप बैटरी से कनेक्ट करके देखेंगे वायर होगी और उसमें नेल्स के पास ले जाने के बाद क्या होता है, क्या रिएक्शन होता है वो आपको बताना है, ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब आपको घर पे क्या करना है, आप लेंगे एक पेंसिल, पेंसिल बैटरी ना, पेंसिल बैटरी लेंगे, ठीक है, उसके बाद वायर लेंगे, कौन सी वायर, तो इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक वायर लेंगे, कितना, एक मीटर, ठीक है, एक बल्ब लेंगे छोटा सा बल्ब लेंगे, ठीक है, एक्टिविटी आप लोग अभी तक नहीं किया है, एक्टिविटी आपको हर क्लास में करने हैं, तो बल्ब लेंगे, ठीक है, एक नेल, उसको क्या बोलते हैं, अल्पीन को क्या बोलते हैं, अल्पीन को लिए अल्पीन लिखते हैं, है ना, अल्पीन जो सेफ्टी पिन होता है, सेफ्टी पिन जो देखते हैं साड़ी वगैरह में लगाया जाता है, वो लेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, एक वुडन ब्लॉक, नेक्स्ट क्या है, एक वुडन सीट लेंगे, ठीक है, वुडन सीट लेंगे। अब देखिए वुडन सीट ये हो गया, आपने क्या किया कि यहां पे ये अल्पिन को नेल से कनेक्ट कर दिया, अल्पिन ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना, अल्पिन ऐसा होता है, इसको आपने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, कनेक्ट कर दिया। अब क्या है कि यहां एक नेल से यहां पे दिया आपने, एक यहां पे दिया, एक यहां पे दिया, अब देखिए ये क्या है, फ्लेक्सिबल है, ये मूव कर रहा है, इधर से उधर मूव कर रहा है, ठीक है, अब यहां से वायर आपका चलेगा, यहां से वायर आपका चलेगा, तो ये आपका काम क्या चीज़ करेगा, स्विच का काम करेगा, ठीक है, बैटरी आप एक पॉजिटिव निगेटिव, हाँ अगर दो बैटरी जोड़ना हो, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, दो बैटरी अगर जोड़ना हो तो आप किसी डब्बे का भी सहारा ले सकते हैं, जैसे आप पुराना टॉर्च वगैरह का, उसका भी सहारा ले सकते हैं, ठीक है, उसके बाद इसमें बल्ब क्या आ जाएंगे, ठीक है, बल्ब में आ जाएंगे, ये बल्ब हो गया हमारा, अब क्या करेंगे, इसको इसमें कनेक्ट करेंगे, ठीक है, इसमें कनेक्ट करेंगे,
अब यहाँ पे आप क्या देखिएगा, जैसे ही इसको हम जलाएंगे तो इसमें ये टच करेगा, इसमें टच करने के बाद क्या होगा, ये जलना शुरू करेगा, ये ग्लो करेगा। अभी ओपन है, अभी ओपन है, ये अभी ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ये बैटरी हो गया, ठीक है, ये बैटरी हो गया माइनस प्लस, अब ये हमारा रहा बल्ब। अब जैसे ही इस स्विच को देखिए, जो स्विच हमारा है, ठीक है, इसको हम टच कराएंगे इसके साथ, और जब टच कराएंगे तो हमारा क्लोज सर्किट हो गया। तो ये आप करेंगे, आप घर पे बनाएंगे तो आपका क्या एक्सपीरियंस आता है, आपने क्या सीखा, आप जरूर पूछिएगा, आप बताइएगा कि आपने इसको बनाने के बाद क्या आपको बल्ब जले या नहीं जले, आप स्विच कैसे ले सकते, पिन से कैसे। हाँ, ध्यान रखना है, बहुत चालाक होते हैं, हर सेशन में ऐसे कुछ बच्चे चालाकी करते हुए पाए जाते हैं, सोचते हैं कि 5 रुपए की बैटरी यूज नहीं करना है, हम इलेक्ट्रिसिटी से ही काम चला लेते हैं। सावधान, ऐसी गलती मत करना, कभी भी इलेक्ट्रिक बोर्ड आपको टच नहीं करने हैं, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 220 वोल्ट की सप्लाई होती है। अगर आप हल्का भी कंडक्टर वायर को अगर टच कर गए तो आपको हाथ में झटका मारेगा। और ध्यान रखना है कि ह्यूमन बॉडी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, गुड कंडक्टर। इसमें अगली चीज और जानना है आपको कि कहीं कहीं वाटर लिक्विड सब्सटेंस लिक्विड होते हैं, जो लिक्विड सब्सटेंसेज है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जो लिक्विड सब्सटेंसेज इलेक्ट्रिसिटी पास करता हो उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड सब्सटेंसेज होते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड, है ना, इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक। और बैटरी के पास जो पॉजिटिव है इसको बोलते हैं एनोड, और जो निगेटिव है इसको बोलते हैं कैथोड। ये सब समझ के आपको और डिटेल्स पढ़ना होगा, पॉजिटिव वाले को एनोड, निगेटिव वाले को कैथोड, ठीक है। तो लिक्विड सब्सटेंसेस को इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, सॉलिड सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी पास करता हो, जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता हो उसकी बात नहीं करता। जैसे बैटरी में जो एल्युमिनियम वगैरह होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, वो इलेक्ट्रोड हो गए, है ना। वाटर में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो इस तरीके से आपने स्विच, होम मेड स्विच को कहते हैं, इस तरीके से आप स्विच बना सकते हैं, एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, करने के बाद आप कैसा स्विच करते हैं इसको आपको बताना है। पर ध्यान रहे कि जब कहा जा रहा है 5 रुपए की बल्ब लगाना है, तो 5 रुपए की बल्ब ही आप लगाएंगे, धूल से भी आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब होता है कि कुछ जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है वो तो मैक्सिमम आर्टिफिशियल सोर्स है, लेकिन वो वैसे टेम्पररी ट्रांसफार्मर के अलावा जो टेम्पररी इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स है वो क्या क्या है, तो बैटरी है ना। तो बैटरी क्या होता है एक्चुअली में, सेल जो हम लोगों ने देखा, जैसे ये एक बैटरी, एक बैटरी बल्कि पॉजिटिव ये निगेटिव, तो इसको हम कहेंगे सेल, ठीक है। और ये ठीक है, ये बहुत सारे बैटरी है, 1, 2, 3 बैटरी आपको दिख रहा है पॉजिटिव निगेटिव, तो इसको हम लोग कहेंगे बैटरी, क्या कहेंगे, बैटरी कहेंगे, ठीक है। तो एक ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, क्या कहेंगे, ए ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, ठीक है। जो सेल की जो समूह होता है उसी को हम लोग बैटरी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कई तरह के सेल होते हैं, जैसे डेनियल सेल है ना, डेनियल सेल, इसके बाद होता है वोल्टीय सेल, है ना, वोल्टीय सेल, इसके बाद होता है ड्राई सेल, ड्राई सेल जिसको हम लोग लिकलांसे सेल भी कहते हैं, लिकलांसे, लिकलांसे सेल भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है सोलर प्लेट, सोलर प्लेट, ये सब इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स हैं, इस तरीके के इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स मान जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ड्राई सेल को डिस्कस करेंगे,
कि एक्चुअली में ड्राई सेल कैसा होता है, कौन कौन से केमिकल डालकर उसमें बनाया जाता है, जो अभी हम लोग सर्किट में और टॉर्च में जो यूज करते हुए देखे हैं वो हमारा ड्राई सेल ही है। ठीक है, तो ड्राई सेल के बारे में वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी इलेक्ट्रिसिटी में और भी टॉपिक बाकी है, इसको आप पढ़िए, अच्छे ढंग से समझिए, जहां नहीं समझ में आए आप प्रॉब्लम लॉगिन करिए, जिस समय होमवर्क में सब होता है उस समय प्रॉब्लम डाउट पूछिए, हम पूरी तरह बताने की कोशिश करेंगे। ओके, आज की वीडियो में प्रॉपर्टी नहीं, नोट्स बनाइए, टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।